हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ यह लिथियम के बारे में। लिथियम जो कि बनेगा अगला पेट्रोल, लिथियम द नेक्स्ट पेट्रोलियम, ये मान के चलिए। और लिथियम क्यों इतना खास है उस सब के बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। और लिथियम कहाँ यूज होगा, मेनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जान है लिथियम। चलिए बात करते हैं इस सब के बारे में छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। लिथियम आयन बैटरीज आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपने सुना होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो है आगे जोर जो है, जो दबाव दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मूव करना चाहिए, वो दिया जा रहा है। और उसकी जो जड़ है, मेनली जो जड़ है, जैसे पेड़ की जड़ होती है, वैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जड़ है लिथियम आयन बैटरी। दुनिया में सबसे फास्ट चार्जिंग वाली, सबसे हाई वोल्टेज जो वाली जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं, जो कि यूज होती हैं आजकल के मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स। एंड अगर बात करें आप जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरी जा रही है, वो सब लिथियम आयन बैटरीज हैं। तो इसलिए लिथियम को ये बैटरी जो है खास बना देती है। एक पेट्रोलियम का जैसे, मतलब ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम का पेट्रोल जो होगा वो लिथियम होगा, तो लिथियम आयन बैटरीज पेट्रोल होंगी, तो लिथियम तो मेन उसकी जड़ है। तो लिथियम और लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, इन सब के बारे में जानते हैं। लिथियम आयन बैटरीज को अगर आप देखोगे तो उसमें जो मेजर जो यूज होता है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड एज अ कैथोड यूज होता है, जो कि लिथियम को रिलीज, लिथियम आयन को रिलीज करता है। और एनोड जो यूज होता है वो अपना ग्रेफाइट पाउडर का हो या फिर ग्रेफाइट की रॉड्स कहें, इस तरीके से वो यूज होती है। तो ये देखिए आप लिथियम की जो बाकी, अगर आप देखोगे कि नॉर्मल जो लिथियम के और है, लिथियम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लिथियम LM, ये देखिए LiMn2O4, इस तरीके से लिथियम फेरस आयरन फॉस्फेट है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा जो बेस्ट है वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है, जो कि हाई डेंसिटी, हाई एनर्जी डेंसिटी के साथ जो है काम करता है। ऑल्दो कुछ रिस्क भी है, एक्सप्लोजन का रिस्क होता है। अगर आपने देखा होगा कि सैमसंग के मोबाइल्स अभी कुछ टाइम में ब्लास्ट हुए थे, तो उन सब चीज़ों के लिए भी उस पर भी रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से ऐसे ब्लास्ट को रोका जाए। तो अच्छी बात है, कम स्पेस में बहुत ज़्यादा वोल्टेज को स्टोर करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही है। और आगे आने वाले टाइम में एक ये बहुत बेहतरीन सेक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिथियम आयन बैटरीज का टाइम तो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का तो आने वाला टाइम उन्हीं का है। आने वाले डाउन द लाइन 5 to 10 years में अगर आप देखेंगे तो दिस सेक्टर विल डेफिनेटली ग्रो विद अ वेरी गुड पेस। तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ इन्वेस्ट किया जाए जो लिथियम आयन बैटरीज पर काम कर रही है, और जो क्या लिथियम माइनिंग पे काम, माइनिंग वाले स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया जाए, क्या लिथियम प्रोसेसिंग वाले स्टॉक्स पे, क्योंकि जब कोई ये मेटल्स मिनरल्स जो भी माइन होते हैं उसके बाद प्रोसेस होते हैं, फिर जाके उनका यूज होता है, क्या लिथियम प्रोसेसिंग वाले स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया जाए, या वो उन कंपनीज पे इन्वेस्ट किया जाए जो लिथियम आयन बैटरीज बनाती है, या उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया जाए। मतलब लिथियम बैटरी के जो कंपोनेंट अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात लिथियम, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा क्या एक एनोड, बस ये तीन मेन मेजर आइटम्स हैं। और इन सबको जो बनाएगी कंपनी, ये भैया कोबाल्ट भी तो कहीं ना कहीं से आएगा, लिथियम भी तो कहीं ना कहीं से आएगा, तभी तो लिथियम आयन बैटरी बनेगी, और एनोड भी कहीं ना कहीं से आएगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। और लिथियम आयन बैटरी कौन बनाएगी, कौन सी कंपनी बनाएगी, लिथियम कहाँ से आएगा, लिथियम माइन कहाँ से होगा, ये सारे क्वेश्चंस को आप समझिए, और सोचिए मत, समझिए, इन सारे क्वेश्चंस को समझिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स ऐसे होंगे जो पे जिन जो इन चीज़ों पे जोर देंगे आने वाले टाइम पे। चलिए बात करते हैं लिथियम के। जैसे मैंने आपको बैटरी का स्ट्रक्चर बताया था, कैथोड एनोड, अगर आप देखो थोड़ा केमिस्ट्री से वाकिफ हो, अगर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि किस तरीके से बैटरी काम करती है। और अब ये देखिए, सबसे पहली बात, ये मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है इधर उधर से सर्च करके लिथियम आयन बैटरी के बारे में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए इंडिया रेडीज, इंडिया की गवर्नमेंट रेडी है, तभी तो जोर दे रही है। और यहाँ तक कि लिथियम और कोबाल्ट के माइंस इंडिया के अंदर नहीं है, ये सब बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं सारे माइंस। और इंडिया की गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि उन कंट्रीज के साथ जो है अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रही है, और उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है, ताकि इंडिया की कंपनीज भी माइन कर पाए लिथियम और कोबाल्ट को। बहुत क्रिटिकल एलिमेंट्स है ये, आने वाले सोना है, पेट्रोल है, ये मान के चलिए। तो अभी गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। अगर आप देखोगे इसका स्टॉक प्राइस, आप देखना ऑलमोस्ट जो है स्टॉक प्राइस इसका
67 रुपीज़ के अराउंड इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉप लिमिटेड, ये तीन कंपनीज है और इनके साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी इनवाइट किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए, और नालको जो कि लीड पार्टनर। तो आप ये देखिए कि नालको लीडिंग पार्टनर होगा लिथियम और आयन, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट एक लीड करवा रही है नालको से। आप देखिए कितना ज़बरदस्त फ्यूचर है नालको का। तो जो प्रपोजल है, जैसे कुछ टाइम पहले ONGC विदेश जो ऑयल रिसर्च के लिए बनाई गई थी, उस तरीके से ये जो है नालको बनाएगा, नालको लीड करेगी इन कंपनी के ग्रुप को जो कि लिथियम और कोबाल्ट की आउट ऑफ द इंडिया माइनिंग में हेल्प करेगी। चलिए अच्छी बात है भैया, जैसे मैं आपको बता रहा था ONGC विदेश बनाई गई थी ऑयल के लिए, ऑयल डिस्कवरी के लिए, वैसी लिथियम और कोबाल्ट के लिए जो नालको लीड करेगा इस कंपनी को, टॉप की कंपनी। जैसा कि भैया आने वाला टाइम अगर देखा जाए तो वो सब लिथियम आयन बैटरीज पर चलने वाला है। और एक चीज़, लिथियम आयन बैटरीज, अगर आप सोच रहे होंगे कि लिथियम कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो लिथियम एक कंट्री का एक ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल जिसको कहा जाता है, वो है अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। अर्जेंटीना आपने फुटबॉल में ज़रूर नाम सुना होगा, लेकिन ये कंट्री कहाँ पर है? ये कंट्री साउथ अमेरिका में है। तीनों पड़ोसी कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, साथ में ब्राज़ील भी है। ब्राज़ील में थोड़ा कम रिजर्व्स है, लेकिन इन तीन कंट्रीज में ज़बरदस्त रिजर्व्स है लिथियम आयन बैटरीज के। तो इंडिया की इनके साथ भी जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन रही है, और धीरे धीरे यहाँ पे, यहाँ तक कि अर्जेंटीना ने तो बीच में इंडिया को अभी इनवाइट भी किया हुआ इंडियन कंपनीज को कि हाँ आप आओ यहाँ पे माइन करो। चलिए ये तो रही लिथियम की बात, अब बात कर लेते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट कहाँ मिलेगा जी? कोबाल्ट तो एक अकेला ऐसा कंट्री है कॉन्गो, जहाँ ज़बरदस्त बहुत अच्छे, मतलब कि सारा कोबाल्ट दुनिया का मेजर वही है कॉन्गो में, कॉन्गो मैं। और कॉन्गो के साथ भी अभी रिलेशंस इंडिया जो एस्टैब्लिश कर रहा है वहाँ पे भी आप कोबाल्ट के माइनिंग के लिए, चलिए ये भी बात है। और अगर आप देखा जाए कि इंडिया के भैया बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी लिथियम और कोबाल्ट की, बाकी कंट्रीज भी, जैसे चाइना भी जो है रेस में पड़ा हुआ है इन सब चीज़ों को, बाकी कंट्रीज के साथ टाई अप कर रहा है कि कहाँ कहाँ हम माइन कर सकते हैं कोबाल्ट को, लिथियम को, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे देखिए, इंडिया लुक्स टू एक्वायर लिथियम एंड कोबाल्ट माइंस अब्रॉड। जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग जगह पर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ भैया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जोर दे रही है, और सरकार कुछ ना कुछ लगी हुई है अपनी तरफ से, गवर्नमेंट लगी हुई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा सकता है। और इवन जो बोलीविया है, बोलीविया जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व जो है लिथियम में है, के वो बोलीविया में ही माना जाता है, मैंने बताया आपको लिथियम ट्रायंगल जिसको कहा जाता है, उसके साथ तो इंडिया ने एक PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया है इंडिया और बोलीविया के बीच लिथियम की के माइनिंग के लिए, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं टॉप लिथियम जो कंपनीज जहाँ पे हैं। देखिए चिले, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, आज की डेट में ये देखिए लिथियम जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, चिले, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पोर्चुगल, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, जिम्बाब्वे, इन सब कंट्रीज़ में देखिए किस लेवल पे लिथियम का प्रोडक्शन हो रहा है और लिथियम आयन बैटरी जो कि फ्यूचर है। और अगर मैं आपको बता दूँ, ये स्टॉक्स तो आपने देखे होंगे, अब और स्टॉक्स जानते हैं जो लिथियम आयन बैटरीज पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं BHEL और इसरो, BHEL, इसरो, ये तो भैया ऑर्गेनाइज, इन्होंने भी जो डिस्कवरी का, रिसर्च का है उनके ऊपर जोर दे रही है BHEL और इसरो, ये तो है ही है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमारा राजा बैटरीज, ये स्टॉक्स अभी, ये कंपनी जो है ऑल दो लिथियम आयन बैटरीज नहीं बनाती, लेकिन बहुत जल्दी एंटर कर सकती है लिथियम, क्योंकि इनकी जो बैटरी की अभी मैन्युफैक्चरिंग है, जो बैटरी बनाती हैं गाड़ियों की, जितनी बैटरी बनाती है, इन्वर्टर्स की बैटरीज बनाती है, इंडस्ट्रियल बैटरीज और बनाती हैं, तो इनकी तो पकड़ पहले से ही बनी हुई है लिथियम आयन बैटरी बनाने में, कितना इनको एक सेटअप करने में, ऑल दो इन्होंने भी रिसर्च स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और बना भी रहे हैं धीरे धीरे करके, तो ये कंपनीज की जो है पकड़ लिथियम बैटरीज की दुनिया में ज़बरदस्त है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपको ये स्टॉक सस्ते में मिले, अच्छी बात है। अब देखिए HBL पावर सिस्टम, ये भी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पावर सिस्टम बनाने का, और ईऑन इलेक्ट्रिक हाई एनर्जी बैटरीज, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो बैटरीज की कंपनी है। और ऊपर से मैं अभी अगर आपको दिखाऊं कि एनोड बनाने की जो कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल HSCL, आज की डेट में 136 के अराउंड का प्राइस इसका चल रहा है, 136-140 के अराउंड का, जब भी आपको सस्ते में मिले तो ये स्टॉक भी, ये मान के चलिए ये कंपनी भी लिथियम आयन बैटरी के लिए जो एनोड बनता है ना, वो इसका जो ग्रेफाइट पाउडर वगैरह जो बनाती है वो ये कंपनी बनाती है, तो ज़बरदस्त इसका भी एक आने वाले टाइम में अच्छा फ्यूचर है। तो अगर आप देखोगे आज की डेट में ओनली 1% जो है
वॉल्यूम ये बनाती है 1% वॉल्यूम। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका भी अच्छा खासा यूज जो है बढ़ने वाला है। तो आप ध्यान रखिए, चलिए हिमाद्री केमिकल को भी आप हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को आप फोकस करके चलिए कि ज़बरदस्त इसमें भी चेंज आ सकता है। तो आज मैंने आपको क्या बताया वो देखिए, लिथियम आयन बैटरी के बारे में सारी चीज़ें बताई, कहाँ कहाँ लिथियम और कोबाल्ट, लिथियम कोबाल्ट और क्या कौन कौन सी कंपनी से जो बैटरी बनाने वाली है, कौन कौन से स्टॉक से जो लिथियम की माइनिंग में काम आएंगे, कहाँ कहाँ लिथियम होता है, पूरी डिटेल में आपके साथ ये जो है रिसर्च शेयर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। अब आप सोचिए मत समझिए, इसको जो क्वेश्चंस रेज थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए क्या चाहिए, लिथियम आयन बैटरी चाहिए, लिथियम आयन बैटरी के लिए क्या चाहिए, लिथियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए और क्या चाहिए, और एनोड भी चाहिए, एनोड में क्या चाहिए, जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ग्रेफाइट। तो ये क्वेश्चंस है, तो ये आने वाले फ्यूचर स्टॉक जो इन सब टर्म्स में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की टर्म्स के लिए आगे आएंगे, बट जो बनाएंगे रॉ मटेरियल बनाएंगे, तो इन चीज़ों को आप फोकस कीजिए और देखिए कौन सी कंपनीज इन सेगमेंट में, शायद मैंने कुछ मिस करी होंगी कंपनी, आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ कंपनी जो इस सेगमेंट में काम कर रही है उनके ऊपर देखिए, उनके ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक लॉन्ग टर्म डाउन द लाइन, मतलब ये एक दो साल का नहीं, आने वाले 5 साल 10 साल का जो फ्यूचर है, ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए समझिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और अपनी राय लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।